मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से मुनावर फारूकी मुमरा आने वाले थे और अभी फिलहाल 7:30 बज चुका है, लेकिन अब तक मुनावर फारूकी मुमरा नहीं आए हैं और उनके लिए जो फैंस का जोश है वो कम नज़र नहीं आ रहा। आप तमाम तरीके से यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो सिर्फ जो है लड़कियाँ और पुरुष नज़र आ रहे हैं और साथ ही में नौजवान लड़के, उनका जोश ऐसा है कि वो लोग मुनावर की एक झलक देखने के लिए काफ़ी सारे उत्साह में है। और पीछे आवाज़ के जरिए ही जो आप देख सकते कि कैसे जो है यहाँ पर मुनावर के फैंस काफ़ी ज़्यादा उत्साह में है और काफ़ी ज़्यादा जोश में है। मुनावर के बारे में हम लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। मुनावर भाई, जल्दी आओ। मुमरा से कौन सा पेट्रोल पंप से? हम लोग पेट्रोल पंप के फैंस रहते हैं। वडाला से है, वडाला से है, हम लोग वडाला से है। हाँ, उनको देखने के लिए अब मुनावर भाई 4 बजे से आए हैं। एक करके कहाँ से है? 4 बजे से। मुमरा से कितने टाइम से फॉलो करते हैं? 4 बजे से फॉलो। 4 बजे से आए हम लोग। क्यों पसंद है मुनावर? क्या नाम है आप लोग? शायरी क्या मस्त है, एक एक नंबर शायरी है। और पहली बार तो बिग बॉस जीता हुआ है वो मुनावर, तो ट्रॉफी तो बनती है यार मुनावर के लिए। एक नंबर कॉमेडियन, कॉमेडियन मस्त है भाई। मैं तो खुद कर रहा हूँ कम से टाइम से इतने टाइम। मुनावर को बुला जल्दी। आप कहाँ से बोले? आप लोग कहाँ से हो? एक करके। हाँ बोलिए, कहाँ से हो? हम घाटकोपर से आए हुए। जी हम लोग मुमरा से आए। मुमरा तो देखने को मिली। जी कितना टाइम से रुके? 3 बजे से आए हुए हम इधर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जोश जो है वो लड़कियों का कम नहीं है और काफ़ी पागल है मुनावर के लिए। देख सकते हैं कि जैसा जोश है, इनका जोश देखिए। मुनावर भाई आपके इंतजार में हम लोग 4 बजे से खड़े हैं, प्लीज़ आप आ जाइए। आपके लिए गिफ्ट विफ्ट सब लाई है। आपको क्या लाए? क्या लाए दिखाओ गिफ्ट? अभी मम्मी के पास है गिफ्ट, मम्मी के पास है। क्या क्या लाए? क्या चौंक के लिए डेयरी मिलो और परफ्यूम लाए। डेयरी मिलो परफ्यूम, थोड़ी बच्ची उसका भी ले लो। हाँ, आपने क्या लाया? 5 साल की बच्ची है या 5 साल की बच्ची? 5 साल से। ये देखो इधर इधर, ये चले गई क्योंकि मैं नहीं मैं उसी फोटो की। अच्छा हाँ बोलिए। मेरे को सिर्फ देखने का है, मेरे को फोटो खींचने का मैं चाहूँगा कि आप जो है अंदर मैं दिखाना चाहूँ कि आप देखेंगे यहाँ पर तमाम लोगों का जोश जो है वो कम नज़र नहीं आ रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पर मुनावर के लोग एक झलक देखने के लिए उत्साह के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा जो है आप इधर आइए। मुनावर के अलावा आप धार्मिक पेज कौन कौन से फॉलो करते हैं? धार्मिक पेज मुस्लिम का तो सॉरी पर इतना याद नहीं है, पर बहुत सारे पेज मतलब फॉलो करती हूँ मैं। इस्लामिक हो गया और जैसे कुरानी चैनल हो गया, ऐसे 2-3 चैनल मैं करती हूँ फॉलो उसको। हाँ, ये मुनावर के लिए जैसा आप लोगों का क्रेज़ है, ये धार्मिक लोगों में क्यों नहीं कह रहे? धार्मिक लोगों के मैं समझू नहीं। जो भी धार्मिक चीज़ें होती है, चाहे वो मूर्ति अजहरी जी का आपका मामला पता होगा, बहरहाल यहाँ पे मैं यही पूछूंगा। हाँ। कि क्या उनके सपोर्ट में आप लोग इस तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह या सपोर्ट में कुछ मैसेज वगैरह डाले थे? देखो एक बात बोलूँ मैं आपको, काफ़ी लोग हैं ना, अलग अलग मौलाना लोग हैं जो अलग अलग ना बातें करते हैं, अलग अलग हदीसें डालते हैं। हमको ये खुद को नहीं पता कि हदीसें कौन सी सही है और किस पे हम फॉलो करें। इसके बाद कुरान पढ़ो। हाँ कुरान पढ़ो। हाँ ये बात आपने जो सही बोले, आपने जो अभी आपने क्या बोला कौन से फॉलो इसमें आप फॉलो करते हो, मैं उसके ऊपर से आपको बोल रही हूँ। क्योंकि आजकल के मौलाना लोग हैं ना जो सब अलग अलग हदीसें डालते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि है ना हाँ नशा कर सकते, कुछ लोग ये मौलाना लोग बोलते हैं। इसकी वजह से मैं मौलाना लोग को देखती ही नहीं हूँ, सच बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। सिर्फ कुरान पे भरोसा करते हैं हम लोग बस। आप लोग आए हो, क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें सही है आपके? सही तरीके से लोग पसंद करते हैं, ऐसा कुछ उनके लिए मरने की या कटने की कोई बात नहीं हो रही, पसंद करते हैं। लोगों के घर वाले जानते हैं? हाँ जानते हैं, सपोर्ट के साथ आए हैं, ऐसा
कोई छुप छुपा की चीजें नहीं है। इनके साथ ही बहरहाल ये एक मामला है तो जो थोड़ा का इस्लामिक कल्चरल से था तो आप देख सकते थे। हाँ क्या है, हाँ मेरी बिग फैन मुनव्वर, मुनव्वर की शायरी हम बोलेंगे। अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, कौन सा हम साथ है, तेरे साथ भी बर्बाद है तेरे बाद भी बर्बाद है। ये एक अलग उत्साह है और बोर्ड का पेपर चालू है, हम लोग फिर भी छोड़ के आए आपको देखने के लिए, जल्दी आ जाओ, पेपर है, पढ़ाई छोड़ के आए हैं। क्या है, पढ़ाई छोड़ के क्यों आए हो? मुनव्वर को देखने के लिए, बहुत बड़े फैन है हम लोग उनके। तो क्या देख के क्या हो जाएगा, आपकी पढ़ाई पूरी करो ना आप पहले। बाबू किसके लिए आए हो? मुनव्वर। कौन है? मुनव्वर के फैन है। कौन है मुनव्वर, कौन है? बिग बॉस में। बिग बॉस में हो, क्या अच्छा लगता है? मुनव्वर उनमें क्या अच्छा लगता है? बिग बॉस। बिग बॉस, इन्हें बिग बॉस का मतलब नहीं पता है लेकिन बस एक जोश के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और कुछ क्या क्या बोलेंगे? छोटे बच्चे को बोलने गए, बोलना भाई मुनव्वर भाई जल्दी आओ, 4-3 बजे से खड़े, जल्दी आओ, आज तो स्टेडियम ही तोड़ देने का है। बोल रहा मुन, ए बोल, बोलो बाबू, बोल जोर से बोल भाई मुनव्वर।